Hello friends, I'm Manish Manti, your companion in this journey of learning English. I hope you guys are absolutely all right and relishing life. साथियों, जैसा कि आपने देखा पिछले दो सेशंस में हमने फिजिकल और मेंटल स्टेट्स मतलब कि शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी ली थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के सेगमेंट में जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी परेशानी या मुसीबत में हो या किसी संकट या परेशानी का सामना कर रहा हो तो वो अपनी स्थिति का विवरण कैसे दे सकता है। सो लेट्स सेट द बॉल रोलिंग। हाउ टू सीरीज पार्ट 4। हाउ टू डिस्क्राइब वन्स स्टेट ऑफ माइंड इन इंग्लिश एंड दिस इज योर पार्ट 2। व्हेन वन इज नॉट वेल और इज इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल मतलब कि अगर कोई किसी परेशानी या मुश्किल में हो व्हेन अ पर्सन इज इन डिफिकल्टी और प्रॉब्लम तो उसे कहना चाहिए या वो कह सकता है जब उससे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ आर यू या व्हाट्स रॉन्ग विद यू। व्हाट्स रॉन्ग तब आपको क्या समस्या है, आप कैसे हैं। और मान लीजिए कि उस वक्त जिससे ये बात पूछी गई वो किसी परेशानी में है तो वो अपनी इस परेशानी की स्थिति को कैसे व्यक्त कर सकता है। लेट्स सी द पॉसिबल आंसर्स। आई एम इन ट्रबल, आई एम इन डीप ट्रबल, आई एम इन डिफिकल्टी, आई हैव सम प्रॉब्लम। When a person is in difficulty or problem, इसी स्थिति के लिए कुछ और मुहावरेदार जो expressions हैं, आइए उन्हें देखते हैं। अगर आप किसी गहरी परेशानी में हैं और आपसे पूछा जाए कि आप कैसे हैं, What's wrong with you? तो आपका आंसर होना चाहिए I am in deep waters, I am in hot waters, I'm in dire straits। इस सेंटेंस में dire का जो मीनिंग है वो है urgent या serious और straits का मतलब होता है situation। तो अगर आप किसी गहरी परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, तो let me repeat कि आप अपने आप को कैसे express कर सकते हैं। I'm in deep waters, I'm in hot waters, I'm in dire straits। इसके कुछ और options देखिए। बड़ी मुसीबत में होने पर आप ये भी कह सकते हैं आई एम इन सूप। यहां पे सूप का मतलब ट्रबल से है या परेशानी से। आई एम इन अ टाइट स्पॉट और आई एम इन अ टाइट कॉर्नर। आई एम इन अ होल। अगर आप किसी और व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं कि वो एक बड़ी परेशानी से गुजर रहा है या उसके साथ बड़ी समस्या है तो ये एग्जाम्पल देखिए। He is walking a tightrope, means he is in an awkward situation. My friend is skating on thin ice. Skate on thin ice. इसका मतलब है my friend is facing a tricky or awkward situation. मतलब कि मेरा मित्र एक बेहद खराब या बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। Let's see some more examples with the help of these expressions. Kapil is in deep waters. Kalpana was in hot waters when she went to her village. Don't gamble away your wealth, you will be in dire straits. Apna paisa yun jua khelkar na barbaad karo, tum bahut jaldi musibat mein pad jaoge. After messing up with an MLA, Jitendra was in a soup. Ek एमएलए के साथ झगड़े के बाद जितेंद्र बहुत परेशानी में फंस गया था। सिंस व्हेन हैव यू बीन इन अ टाइट स्पॉट, कब से आप इस मुसीबत में हैं। हाउ लॉन्ग हैड द कंपनी बीन इन अ होल, कंपनी कितने समय से परेशानी में है। माय अंकल लॉस्ट हिज जॉब सो हिज फैमिली वाज वॉकिंग अ टाइट रोप, मेरे चाचा जी की नौकरी चली गई थी और इसी वजह से उनका परिवार काफी बुरी स्थिति का सामना कर रहा था।
Having lost their only breadwinner, they had to skate on thin ice. परिवार के एकमात्र कमाने वाले को खोने के बाद वे लोग बहुत मुसीबत के दौर से गुजर रहे थे. Let's see another situation. आइए एक और ऐसी परिस्थिति को देखते हैं. कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, जिसे आप किंग कर्तव्य विमूढ़ता या असमंजस की स्थिति कहते हैं. आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, फैसला कैसे लें, आप फंस जाते हैं. सो लेट्स सी इन दिस सिचुएशन व्हेन यू आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट कुड बी योर पॉसिबल आंसर्स. सपोज आपसे पूछा गया या आपसे किसी ने सवाल किया, व्हाट डू यू थिंक, तो आप अपने आप को ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, आई एम इन अ डिलेमा, I am in a quandary. I am in a fix. I am in two minds. Let's see some more examples of this situation. Ajay was in a fix whether to accept or reject the offer. Ajay is asmanjas mein tha ki wo naukri swikar kare ya use aswikar kar de. Sherlyn will be in a dilemma. We should help her. Sherlyn दुविधा में होगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए. Many migrant workers were in a quandary whether to return to their homes or stay where they were. बहुत सारे प्रवासी मजदूर इस दुविधा में थे, इस असमंजस में थे कि वो वापस काम पर लौटें या जहां है वो वहीं रहें. Seeing his own relatives, Arjun was in a dilemma when the battle of Mahabharat began at Kurukshetra. दोस्तों आप सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में, युद्ध के आरंभ होने से पहले अर्जुन के सामने यह समस्या आई थी जब उसने सामने रणक्षेत्र में देखा कि दुश्मनों की उस फौज में सारे उसके रिश्तेदार हैं. तो उसने इस सिचुएशन को फेस किया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे लड़ना चाहिए या नहीं. Seeing his own relatives, Arjun was in a dilemma when the battle of Mahabharat began at Kurukshetra. He had been in two minds for a long time before he tendered his resignation. अपना इस्तीफा देने से पहले बहुत समय तक, काफी लंबे समय तक वो असमंजस की स्थिति में था. Give me some time, I am in a quandary. मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं असमंजस में हूं, मैं तय नहीं कर पा रहा. How to describe one's state of mind in English, part 2. इसमें आपने देखा कि आज हमने दो तरह की परिस्थितियों की बातें की. एक तो वो जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, तो आप अपने आप को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, या फिर ऐसी परिस्थिति जहां पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप अनिर्णय की स्थिति का सामना कर रहे हैं, असमंजस में, तो हम उसके लिए किस तरह से इंग्लिश में रिस्पॉन्स दे सकते हैं. गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन विद मी एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर इंग्लिश बडी एंड अंटिल वी मीट अगेन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड विद द प्रॉमिस दैट आई विल बी बैक एज सून एज पॉसिबल. बाय बाय.